इंडिया गठबंधन की भी बैठक खत्म हो गई है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मौजूद थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो अन्य जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के वो भी मौजूद थे। मौसमी हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, मतलब जो सबसे बड़ा टेक अवे है आज की इस बैठक का वो क्या है, क्योंकि बीते दिन राहुल गांधी ने कहा था कि कल गठबंधन के साथियों से बात करेंगे कि क्या नीतीश बाबू या चंद्र बाबू को अप्रोच करना है। देखिए, दो बड़ी बातें हैं, अभी किसी वक्त भी नेता बाहर आ सकते हैं अंजना मीडिया से मुखातिब होने के लिए। आपको याद है कि कुछ ही दिन पहले जब सातवें चरण का चुनाव हुआ था तब एक बैठक हुई थी दोपहर में, हालांकि वो बैठक तो एक घंटे में ही खत्म हो गई थी और विक्ट्री साइन भी दिखाया गया था, लेकिन ये बैठक कुछ लंबी चल रही है, लगातार 6 बजे से बैठक जारी है, 2 घंटे हो गए हैं। और बड़ी बात जो मैं कह रही थी, दो बड़ी बातें, एक तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की राजनीतिक शिकस्त है और उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने ओपनिंग एड्रेस में कही है। और दूसरी बात है कि एक न्योता दे दिया है कि इंडिया गठबंधन उन सभी दलों को आमंत्रित करते हैं, राजनीतिक दलों को जो संविधान को बचाना चाहते हैं और सामाजिक और राजनीतिक कल्याण के पक्षधर है। तो इस तरह से एक ओपन एंडेड एड्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया है। अब चर्चा ये भी हो रही होगी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही प्लेन में आए तो उनकी उनकी क्या आपस में बातचीत हुई, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि मुझे ये लगता है कि एक वेट अप्रोच रहेगी, देखा जाएगा कि बीजेपी और एनडीए किस तरह से आगे बढ़ती है और उसके बाद एक शायद एक सख्त ऑपोजिशन की भूमिका निभाने की कोशिश की बात कही जाएगी, हालांकि किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।